इंडिया की मर्जी के बहुत सारे लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, बहुत सारे। ये कोइंसिडेंस नहीं होता। तुलसी गबार्ड अपने आप को एक प्राउड हिंदू फील भी करती हैं और कहती भी हैं। अच्छा, भारत को इससे फायदा तो होगा। तुलसी पूर्व डेमोक्रेट और अमेरिकी कांग्रेस की पहली हिंदू सदस्य हैं। वो 4 बार की कांग्रेस सदस्य, 2020 की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार और बेस्ट सेलिंग लेखिका भी है। कि वो हिंदू भी हो, वो पर्सन ऑफ कलर भी हो, फॉर इंस्टेंस। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो ट्रम्प की आइडियोलॉजी से अलाइन भी करती है। गुजारिश है तमाम मिलकर मुसलमान कुफरान कुफर यहूदों ने सारा और कुफरान का मुकाबला करें। अच्छा, और इनको मार गिराएं। मुकाबला में वो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ मुकाबला करें, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में मार मार कराए वाली बात। तुलसी गबार्ड इज फर्स्ट हिंदू यूएस कांग्रेस वुमेन, जो कि अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस को हेड करेंगी। लेकिन नरेंद्र मोदी को ये नहीं पता था कि अमेरिकन्स बेताब बैठे हैं मोदी साहब से दोस्ती करने के लिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि चुनाव जीत चुके हैं, जनवरी के अंदर वो जो है ना शपथ लेंगे, लेकिन जो ट्रंप है वो अब धीरे धीरे अपनी जो कैबिनेट है उसका सिलेक्शन कर रहे हैं। और जैसा कि 2-3 दिनों से आपने भी न्यूज़ देखी होगी कि कई सारे जो NSA हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका जो है ना सिलेक्शन हो चुका है। अब एक और खबर आ रही है, एक और नाम सामने आया है, एक हिंदू लेडी का, तुलसी गबार्ड, जिनको डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस चीफ बनाया जा रहा है अमेरिका के अंदर। ये जो पद हैं अमेरिका के अंदर, अलग अलग जितनी भी एजेंसियाँ, जांच एजेंसियाँ हैं, उन सब का जो है ना, उन सब के आपसी तालमेल के लिए एक डायरेक्टर का पद होता है, जो पद दिया जा रहा है तुलसी गबार्ड को। और ये खबर पाकिस्तान का मीडिया किस प्रकार से डिस्कस कर रहा है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो होगी मज़ेदार, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के अंदर एक धूम पड़ गई है कि तुलसी गबार्ड जो हैं उनको अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होंगी नेक्स्ट। और बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का काम ये होता है कि वो अमेरिका की जो 18 एजेंसीज हैं और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, CIA, NSA, FBI, सब के दरमियान जो है उन्होंने एक एक ऑफिस उनका होता है। एंड ये 2004 में बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का ये जो दफ्तर है ये इस्टेब्लिश किया गया आफ्टर 9/11 के जो अटैक्स हुए थे, ताकि जो कम्युनिकेशन है अक्रॉस डिफरेंट एजेंसीज जो है उसको इन्हेंस किया जा सके। सो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है, दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट अमेरिका के अंदर। रिमेंबर, अब ये जस्ट मैंने आपको बता दिया, नाउ आई एम टेलिंग यू द फास्ट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट तुलसी गबार्ड। रिमेंबर, तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इज अ राइजिंग progressive star and she supports Hindu nationalism, and this is what the people have been saying. Aur Indian jo Prime Minister Narendra Modi hai, wo kai dafa unse mil chuke hain aur Hindu rights ke liye wo bada kaam kar rahi hain. Ye jo jise wo kehte hain na, ye ek important cheez hai India ke liye। इंडिया वो आई हैं बहुत ज़्यादा, 2004 में भी सुना है, एक पर्सनल इनविटेशन उस वक्त नरेंद्र मोदी ने दिया था। अब ये भी जरा स्टोरी देखे ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक पर्सनल इनविटेशन भेजा, उसकी वजह ये थी कि नरेंद्र मोदी बस फिगरिंग आउट दैट अमेरिका के अंदर मेरे ऊपर तो पाबंदी है, सो आई नीड टू ओपन कनेक्शंस। लेकिन नरेंद्र मोदी को ये नहीं पता था कि अमेरिकन्स बेताब बैठे हैं मोदी साहब से दोस्ती करने के लिए। अमेरिकन्स की तो दिल है सुबह दोपहर शाम कब हम मोदी के करीब हों, बिकॉज उनके लिए उस वक्त चाइना एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी वो हो रही थी, ठीक है जी। एंड देन व्हेन मोदी साहब स्टार्टेड गोइंग USA, तो उनको पता लगा कि हाँ जनाब क्या है और क्या नहीं। और अच्छा, मजे की बात यह है कि शी हैज ऑलवेज प्रॉमिस कि वो इंडिया US रिलेशंस को इम्प्रूव करेगी। और जब 2012 में वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पहुंची, फर्स्ट एवर हिंदू इलेक्टेड टू एट दिस पोजिशन, और फिर इंडिया कॉकस की वो मेंबर रही हैं, लाइक दी क्या नाम है उसका, जो NSA, दी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सो एवरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये इंपॉर्टेंट चीज समझेगा, एवरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इफ ही इज बीन इन दी कांग्रेस के अंदर है तो वो इंडिया कॉकस का मेंबर है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऐसे नाम सामने लेकर आई है कि आप हैरान रह जाएंगे। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की
न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में काफी नाम ऐसे हैं कि जिनसे पता चलता है कि इंडिया इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। एक फर्स्ट हिंदू यूएस कांग्रेस वुमेन जो है वो एक ऐसे डिपार्टमेंट को हेड करेगी जिसमें ये तक कहा जा रहा है कि अब वो एजेंसीज के ऊपर बैठी है और उसको हेड करेंगी। अच्छा, ये बात तो अपनी जगह पर कि अगर वो ऑब्वियसली अपने आप को एक प्राउड हिंदू कहती हैं तो इंडिया की तरफ उनका ऑब्वियसली टिल्ट है, मतलब ये तो आप नहीं कह सकते ना कि वो उनका है सॉफ्ट कॉर्नर है और इंडिया को वो बहुत ही एक हाई पेडेस्टल पर रखती हैं और उनकी जो पॉलिसीज हैं वो भी ऑब्वियसली प्रो इंडिया ही होंगी इस हवाले से कहीं ना कहीं। लेकिन सिर्फ हम तुलसी की बात क्या कर रहे हैं सर, अभी तो आप देखिए, रुको जरा रुको, जो हम कहते हैं कि तुलसी के अलावा ऐसे लोग मौजूद हैं कि जब हम उनके नाम आपको बताना शुरू करेंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में तो हमें पता ही चलता है कि इतने नाम उन्होंने इंडियन नेम्स लिए हैं, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले नेम्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप ऑफ द लिस्ट है। यानी इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंडियन नेम्स, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले पीपल टॉप ऑफ द लिस्ट है, जिसमें एक नाम है आप जानते हैं बहुत ज्यादा उनका फैन क्लब है और वो नाम है, ये हम आपको दिखाई देते हैं, वो है ये साहब विवेक रामास्वामी। एग्जैक्टली, विवेक बहुत पॉपुलर हैं और ये यहां तक है कि अब ये बात की जा रही है कि नेक्स्ट यानी डोनाल्ड ट्रंप के बाद कौन प्रेसिडेंट होगा, तो दो लोगों के नाम आ रहे हैं, बल्कि दो तीन के नाम आ रहे हैं, एक तो है विवेक और दूसरे हैं एलन। अब मैं आपको बताती हूँ कि एलन और विवेक के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों के लिए एक ही डिपार्टमेंट चूज किया है। विवेक रामास्वामी एलन के साथ मिलकर डोज DOGE, ये वो डिपार्टमेंट है जो कि एफिशिएंसी का डिपार्टमेंट एक बनाया गया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रेसिडेंसी में, और उसके अंदर जो खर्चा है उसको कम किया जाएगा और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े काम किए जाएंगे जिसमें एलन मस्क और विवेक रामास्वामी मिलकर अमेरिका के ऊपर जो बर्डन्स हैं, जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंस है उसको कम करेंगे। यहां तक कहा गया है कि एलन मस्क ने ये कहा है और विवेक ने कि वो $3 trillion और $2 trillion तक कमी लाएंगे खर्चों में। अब वो कौन से डिपार्टमेंट्स पर कट लगाएंगे, वो कैसे क्या करेंगे, ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक बात इसके अंदर ये है कि वो जैसे सरकारी स्कूल जो हैं उसके खिलाफ हैं, एलन के बारे में आप जानते हैं, उनकी जो स्ट्रेटजीज हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनकी जो सोच है उसके बारे में आप जानते हैं, इस तरह के क्या वो जो स्कूल्स हैं उसके ऊपर कुछ इस तरह का निज़ाम बनाएंगे। अब देखिए जब वो ये कह रहे हैं ना, अगर अपने मुँह से वो ये कह रहे हैं, और आप जानते हैं कि विवेक बहुत धड़ल्ले से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत आउटस्पोकन है और एक अपराइट मैन, इसी तरीके से एलन मस्क को तो आप जानती हैं, दुनिया का दी रिचेस्ट मैन। अभी मैं देख रही थी कि कुछ एक दो दिन पहले ही उनकी पता नहीं कितने $1 billion इजाफा हुआ एकदम से फिर उनकी दौलत में, तो वो भी आउटस्पोकन और अपनी बात करके दिखाने वाले, उनके जैसा कौन होगा। तो ये दोनों मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि काम कुछ कर दिखाएंगे, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, अब है कुछ इस तरीके से कि मैं आपको कुछ और नाम बताऊंगी जब इसके अलावा, तो आप उसके पर भी बहुत हैरान होंगे। और इनमें से कई एक ऐसे नाम हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इंडिया के बहुत प्रो इंडिया है। देखिए इस सिलसिले में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया है कि उन्होंने मैट को सिलेक्ट किया है फॉर अटर्नी जनरल और मार्को रूबियो फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब आप जानते हैं कि मार्को रूबियो तो ऑलरेडी कहा जाता है कि प्रो इंडिया है और वो बहुत पसंद करते हैं इंडियंस को और बड़ी उनकी पॉलिसीज जो हैं वो उनका टिल रहा। इसी तरीके से जो मैट हैं ऑफ फ्लोरिडा टू सर्व एज हिज अटर्नी जनरल, और फिर उसमें ये कहा गया है कि ऑप्शंस ऑफ फेवर ऑफ लॉयलिस्ट, यानी इसके अंदर ये आ रहा है कि जो ट्रंप ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बनाई है उसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उनके बहुत लॉयल रहे हैं हमेशा।